हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, बहुत ही छोटा सा है, आपके घर में रखे हुए कुछ ही सामान से बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों का लंच बॉक्स हो, ब्रेकफास्ट हो, बिना लहसुन प्याज के बनाऊंगी। एकदम सिंपल रेसिपी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ हमने ली है 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। अब इन आलूओं को हम पहले कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें महीन पेस्ट चाहिए, जिससे हमारे कोई भी इसमें पीसेस ना रहें। आराम से आलू ग्रेट हो जाएंगे। इस तरीके से हम सारे आलू ग्रेट कर लेंगे। आलू हमारे कद्दूकस हो सकते हैं, हो चुके हैं, अब इनको हम साइड कर देते हैं। अब हमने यहाँ लिया है एक खीरा। खीरा का हमें ये सामने वाला पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट, ये दोनों हमें कट कर देना है, और हम इसका छिलका नहीं उतारेंगे। अब इन आलुओं में ही हम इसको कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। अगर आप खीरे का छिलका उतारना चाहें आप वो भी उतार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हेल्दी तरीके से बनाना चाह रही थी इसलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। खीरा भी कद्दूकस हो चुका है। अब हम इसको बाइंडिंग के लिए हम इसमें ले डाल रहे हैं 1 कप आटा। 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची का पाउडर, चॉप की हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं सूखा हुआ हरा धनिया। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं है इसलिए मैं सूखा कर रख लेती हूँ, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप इसको व्रत के लिए यूज करना चाहें तो आप आटे की जगह इसमें समा के चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें पहले पानी मिक्स नहीं करेंगे, एक आटे का डो बनाएंगे, और जो आलू हैं और जो खीरे हैं ना, बस उसी से हमें डो बांधना है। ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पहले हमें इसी आटे और खीरे से ही गूंदना है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और बढ़ाना चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है, केवल आलू और खीरे के मॉइस्चर से ही इसमें आटा लग गया है। इसमें मैंने 2 कप आटे का प्रयोग किया। हाथ पे चिपकता है इसलिए आप डो को थोड़ा सा टाइट ही लगाएं। हमने ले लिया है चकला। चकले पे थोड़ा सा आटा इस तरीके से डस करेंगे, आटे की लोई को रखेंगे और इसे बेल लेंगे इस तरीके से। ये थोड़ा सा चिपकता है, बस इसीलिए हमने आटे को डस किया है, नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितने आराम से ये बेल जाती है। हमने इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। अगर आपका लगता है आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो आप इस किसी बर्तन से इसको कूल साइज में ले लीजिए। अब गैस पर रख लेते हैं। गैस पर हमने पैन रख लिया है, पैन को हम पहले ग्रीस कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम ईट डाल देते हैं। अब इसको सेक लेते हैं, इसको पलट लेते हैं। इसको हम अच्छे से घी से या ऑयल जो भी आप खाते हैं उसे अच्छे से लगा ले लीजिए। अब उलटते पलटते इसको ब्राउन होते तक इसको हम सेक लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सिक रहा है, आप देखिए। इसी तरह से हम या तो पहले सारे बेल कर बना कर रख लेते हैं, ये फूल भी गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितना ब्राउन सिका है, अब हम निकाल लेते हैं इसे। लीजिए, हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो गए। देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसका जो फ्लेवर आता है ना, जो मैंने इसमें खीरा डाला है, अलग ही फ्लेवर आता है, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ये मैंने आलू का बनाया है। इसको हम सर्व करते, इसको हमने सर्व किया है दही के साथ। मैंने दही के ऊपर, क्योंकि मैंने इसमें खीरा डाला है तो खीरे को ही ऊपर से ग्रेट करके इसके डेकोरेट किया है।
आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। एकदम सिंपल एंड सोबर है, नो स्पाइसेस, बच्चों को जरूर पसंद आएगी। आप बच्चों के टिफिन में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, कैसे भी इसको सुबह शाम कभी भी टी टाइम में भी खा सकते हैं। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।